दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों एक साथ हैं, तो अहिराज सांप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं, ये उड़ीसा की पवन सरजमी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों कोई घर में सांप निकला हुआ है, ये फटाफट के अंदाज में देखते हैं कि सांप है कौन सा। दोस्तों मेजबानों को बचाने का जो है एक अपना नाता है, उसे अच्छे से निभाते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए प्लीज़ कम। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बगल में पानी का तालाब है जहाँ पर दोस्तों पानी इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पर सांपों का निकलना थोड़ा सा लाजमी रहता है। तो दोस्तों घर के जस्ट अगल बगल यहाँ उड़ीसा में ऐसा है कि हर जगह पानी, जंगल, झाड़ियाँ से लबरेज है। तो आइए प्लीज दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जस्ट बगल में ये बत्तख है। उड़ीसा में इस तरीके का रहन सहन ये व्यवस्था है। वैसे साफ सफाई भी होती है कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर उतनी अच्छी सफाई नहीं है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये कच्चा मिट्टी का मकान है। दोस्तों हमारे उड़ीसा में इस तरीके का रहन सहन जो व्यवस्था होता है, कच्चे मिट्टी के मकान होते हैं और ये दीवार भी दोस्तों टूटी हुई है, मिट्टी की दीवार है। आइए दोस्तों इसी के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों इसे बोरा लगा करके पूरी तरीके से पैक किए हैं, इसी के अंदर है। तो दोस्तों होता ये है कि जहाँ पर इंसान रहता है अपने आसियाने को बना के रखता है। दोस्तों इन्हीं सब सारी चीजों के साथ साथ अंदर ये स्थितियों का मंजर है। दोस्तों जस्ट बगल में पानी है और पानी के आसपास दोस्तों बहुत से सारे ऐसे सांप होते हैं, कभी कभी मोनोसलेट कोबरा या तो दोस्तों वाटर स्नैक भी आते हैं। दोस्तों हमारी नज़रों में भारत में जितने भी जीव जंतु निकलते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से सारा कूड़ा कबाड़ सामान इकट्ठा है। चाचा जी कहाँ गए, कब देखे थे? रात के 2 बजे। कौन सा सांप था आपको तो पता होगा नहीं, अगर हो तो बता दीजिए। क्यों जी? इसके अंदर होगा। अच्छा इसके अंदर। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, दोस्तों हमारे भारत में ये एक ऐसा सांप है। दोस्तों ये है हमारे भारत का एक ऐसा सांप, इसे दोस्तों बैंडिट करैत के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी बहुत सी सारी प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, जिसे कॉमन करैत भी कहते हैं। तो दोस्तों इस समय इनका ये प्रजनन का समय, मीटिंग का दौर चल रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। दोस्तों ये हमेशा निकलते हैं, ये अक्सर जोड़े ही मिलते हैं। दोस्तों इसे देख के दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम एक बार निकालते हैं एक साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों एक साथ हैं यहाँ पर, ऐसा मंदिर दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। ये भी सांप दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा की तरफ फूंक मारता है। दोस्तों यहाँ इसकी केचुली भी कुछ दिखाई जैसी दे रही है। दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर पाया जाता है। एक मिनट हम इसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा। ये सांप दोस्तों इसका पसंदीदा जो भोजन है वो है दोस्तों, रात के समय निकलता है, चूहे को भी ये खाता रहता है, लेकिन पानी में रहता है दोस्तों, पानी में डूब करके ये मछलियों को भी खाता है। चूहे के साथ साथ दोस्तों चूहे को कम खाता है लेकिन सांप को ज़्यादा खाता है, क्योंकि इसके शरीर की जो बनावट है वो सांप को भी ज़्यादा पसंद करता है। दोस्तों इसी को अहिराज सांप भी बोलते हैं, इसी को भांगीरस बोलते हैं, इसी को हिंदी में दोस्तों इसको राज सांप के नाम से भी जानते हैं, जिसे बैंडेड कैद भी बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। वैसे दोस्तों ये काम एक एक्सपर्ट के लिए, इसे देख के दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये सांप ही एक ऐसा है जो किंग कोबरा जैसे सांपों को भी अपना निवाला बनाता है। ये दोस्तों इस समय इनका
सितंबर और अक्टूबर नवंबर के महीने में इनके मीटिंग के दौर रहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक सांप है, इसके अंदर भी दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक जहर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये नर और मादा दोनों एक साथ हैं, इनका इस समय दोस्तों ये मीटिंग का दौर चल रहा है। थोड़ा घर की दोस्तों साफ सफाई रखें, रात के समय ये सांप ज्यादा निकलते हैं। दोस्तों जहाँ पर पानी रहता है, पानी तालाब होता है, तो वहीं पर ये सांप ज्यादा रहते हैं। पानी के अंदर दोस्तों कभी कभी मछलियां भी ये खाते हैं, लेकिन वैसे इनका पसंदीदा भोजन दोस्तों सांप को ही ज्यादा से ज्यादा ये सांप खाता है। इसे हिंदी में राज और इंग्लिश में बैंडेड करैत दोस्तों ये कॉमन करैत के खानदान से। क्या नाम है इसका? राणा। अच्छा जी, थैंक यू। राणा साहब, इसी का जो बहुत बड़ी दाम है जो। अच्छा, 1 किलो का 1 लाख रुपया किलो है इसका। हाँ, इसको आप रख लीजिए 50,000। हमारे देश में दोस्तों बहुत से ऐसे अंधविश्वास फैले हैं, जो बहुत से सारे सांप काटते हैं तो लोग जड़ी बूटी तंत्र मंत्र के चक्कर में जाते हैं। जब भी ऐसा सांप अगर आपको बाइट करता है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, जहाँ पर एंटी वेनम अवेलेबल होता है, जिससे हमारे आपके प्राणों की रक्षा होती है। इस समय ये लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा है। अच्छा, इसको मार देना चाहिए? नहीं नहीं, मारना तो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। मालिक ने इसको बनाया है, इसे मारने वाला बचाने वाला मालिक के हाथ में है ना। हम इसे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि मारने का अधिकार मेरा नहीं है, जिसने इसको बनाया है वही इसको मार सकता है। वैसे इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। मर जाता है, कुछ नहीं होता, मर जाता है, जैसे इलाज नहीं हुआ। अच्छा, तो दोस्तों ये सांप एक ऐसा होता है, बगैर दबे बगैर किसी छेड़छाड़ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है ये। भैया, अब अगर यदि ये काट लिया तो कितना देर में क्या करना पड़ेगा उस वक्त? तो कटे हुए स्थान पर थोड़ा सूजन होती है, 2 दांत के निशान होते हैं, पट्टी लपेट देना चाहिए, फिर बहुत तेजी से नहीं, हल्का बात कर देना, बांध देंगे। हाँ, हल्का बात ये, सीधा आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर एंटी वेनम मिलेगा, जो बच जाएंगे आप। चलिए दोस्तों, इसे पैक कर, इधर जहाँ जगह। ये दोस्तों बहुत ही रंग बिरंगे बेजुबान हमारे भारत में भरे पड़े हैं, इनको बचाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके अंदर हम इसको पैक करते हैं। कहाँ के हैं भैया? सर, मैं यूपी से हूँ। अब इमरजेंसी इसमें पूरा फोन करने साहब आ जाएंगे। जी जी, आपका नंबर दीजिए ना। हाँ, 1 मिनट। लो भाग जाओ, आपका गाड़ी में लिखा है इमरजेंसी। हाँ हाँ जी सर, लो भाग जाओ, आपका गाड़ी में लिखा है इमरजेंसी। हाँ जी सर। तो इस तरीके से दोस्तों इन विद्वानों को बचाने का हमारी टीम काम करती है। भारत के कोने कोने हम लोग जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा। इसे पकड़ करके हम लोग काफी दूर जंगल में जाते हैं, इसे रिलीज कर देते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद और बाय।